देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जी बता दें कि गोहाना के जींद रोड स्थित बुटाना व नूरखिया गांव के बीच बन रहे निर्माणाधीन जम्मू कटड़ा हाईवे के पास बाइक व ब्लेरो गाड़ी की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए गए हैं। बता दें कि इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों और ब्लेरो पलटने से चालक के जो ब्लेरो का चालक था उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा बाइक पर सवार एक अन्य युवक व ब्लेरो चालक का बेटा गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना मिलने के बाद बुटाना पुलिस चौकी ने मृतकों के शव व घायलों को गोहाना के सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से घायलों को BPS महिला मेडिकल कॉलेज भेजा गया, रेफर कर दिया गया है। मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार करनाल जिले के बर्जपुर गांव निवासी अजय, जो कि 21 वर्षीय था, जींद जिले के लोदर गांव निवासी आशीष, जो कि 22 वर्षीय था, वह करनाल के बड़ौता गांव निवासी 28 वर्षीय तेजेंद्र बाइक पर सवार थे। बताया जा रहा है कि यह तीनों जींद की तरफ से गोहाना की ओर आ रहे थे, जबकि ब्लेरो गाड़ी बुटाना से जींद जा रही थी। जब वह बुटाना गांव से निकलकर निर्माणाधीन कटड़ा हाईवे के पास पहुंचे तो दोनों वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में अजय व आशीष की मौके पर ही मौत हो गई और तेजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद अलावा बाइक के टकराने के बाद जो है ब्लेरो भी सड़क किनारे पलट गई, जिसमें सवार गोहाना के बुटाना खेतला निवासी चंद्रहास, जो कि 42 वर्षीय है, वह उसका बेटा घायल हो गया, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पुलिस जो पहुंची और घायलों को गोहाना के सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने चंद्रहास को मृत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा उसके बेटे निखिल व तेजेंद्र को गंभीर रूप से के चलते महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला रेफर कर दिया गया था। इसके अलावा अजय, आशीष व चंद्रहास के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। और बता दें कि रोहतक में जो मृतक हैं वह रोहतक के एक हॉस्पिटल में काम करते थे और एक ही परिवार पर एक के परिजन पहुंचे हैं, मौके पर पहुंचे थे। और बता दें कि तेज़ रफ्तार का कहर आज जो है गोहाना में देखा गया है। बता दें कि लगातार जो है इस तरह के जो हादसे हैं लगातार बढ़ रहे हैं। हमें हमेशा जो जब हम रोड पे निकलें तो हमें सावधानी से वाहन चलाने चाहिए। और आप सभी से अपील है, जो भी इस तस्वीर को देख रहे हैं, खबर को देख रहे हैं, उनसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। सूचना में चौकी में थे, एक रात हल्का अपना ड्राइवर थे तो गाड़ी के, वो आके हमें बताते थे कि बुटाना और इसके खेड़ा खेड़ी के बीच में एक्सीडेंट हो रखा था, वहाँ पर काफ़ी कई आदमी इंजर्ड हैं। तो हम वहाँ से वहाँ पर गए, मौके पर थे, अपने साथ अपने पुलिस कर्मचारी और भी लेके गया। वहाँ पे देखा कि हमें ये अजय व आशीष, ये तो मौके पे ही एक्सपायर हो रखे थे, और इनका एक और साथी था तेजेंद्र, जो घायल अवस्था में था, जो तीनों मोटरसाइकिल पे थे। और उसके बाद एक जीप है महिंद्रा TUV 300, इसका ड्राइवर था चंद्रास और इसका बेटा था 13-14 साल का, इसके साथ इसी गाड़ी में निखिल, ये दोनों भी घायल अवस्था में थे। इन तीनों को हमने घायल अवस्था में वहाँ पर GS गोहाना भेजा, जहाँ पर चंद्रास भी दौरान इलाज एक्सपायर हो गए हैं। और चंद्रास का लड़का जो निखिल और जो मोटरसाइकिल में एक लड़का था अपना तेजेंद्र, इन तीनों दोनों को खानपुर भेजा गया इलाज के, जो खानपुर में इनका इलाज चल रहा है। अब यहाँ GS में आए हैं, यहाँ पर इनके वारसान आएंगे, उनसे वो करके। टोटल कितने इसमें किस चीज़ के साथ एक्सीडेंट हुआ है? मोटरसाइकिल और एक महिंद्रा TU 300 है, उनका आपस में। ये कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ सर? ये एक्सीडेंट बता आपको, अपने बुटाना और मोन खेड़ा गांव के बीच में, जो जींद से गोहाना रोड होता है उसके बीच में, जहाँ पे KGP ये अपना यहाँ से कटरा वाला नया रोड बनने लग रहा है और वहाँ पे एक मिक्सर प्लांट लगा हुआ है उसके बिल्कुल सामने। हुआ इसमें कितने डेड हैं और कितने इसमें? इसमें 3 ब्रोड डेड हो गए हैं, 2 इंजर्ड हैं, टोटल 5 हैं।